हेलो गाइस, मेरा नाम है शाकिब। आप देख रहे हैं टेकूब और इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी पैड एक्स के बारे में। फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और रियलमी ने इसको 18,000 रुपए में लॉन्च किया है और रिसेंटली हम लोगों ने इसका रिव्यू भी किया है और बहुत लोग भाई ऐसे मस्त बता रहे थे कि इसका रिव्यू करो, मी पैड 5 के साथ व्यूज आएंगे। थैंक यू भाई बताने के लिए। अब तो मैं बना भी रहा हूं तो व्यूज नहीं आए, अनसब्सक्राइब करवा दूंगा तुमको, सॉरी भाई। लास्ट 2 साल से कोविड सीन के बाद इंडिया में टैबलेट मार्केट काफी तगड़ी ग्रो की है और रियलमी पैड एक्स के लॉन्च के बाद डेफिनेटली कह सकता हूं कि 20,000 रुपए के अंदर एक नया किंग आ चुका है टैबलेट मार्केट का। लेकिन भाई अगर आप थोड़ा सा प्राइस अपना बढ़ाते हो, 25,000 के अराउंड लेके जाते हो, तो आपको मी पैड 5 मिलेगा जो डेफिनेटली उस प्राइस सेगमेंट का किंग है। और मी पैड 5 की बात करें तो इसकी वीडियो हम लोगों ने बहुत पहले बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चेकआउट कर सकते हो। मैंने ट्राई आउट कर रखा है और डेफिनेटली मुझको मालूम है कि दोनों ही टैबलेट में क्या अच्छा क्या बुरा है। इस वाले वीडियो में हमारे पास नहीं, हमने जुगाड़ करने का ट्राई किया, हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना देते हैं, व्यूज आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैबलेट के डिजाइन के बारे में। देखो दोनों की बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है, लेकिन मी पैड 5 की फील थोड़ी सी मेटालिक है, इसकी हल्की सी मैट है, लेकिन देखने में थोड़ा सा ग्लास वाला डिजाइन लगता है। लेकिन मी पैड 5 का जो फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम का मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा प्रीमियम फील होता है और ज्यादा वेट भी फील होता है और ज्यादा स्टडी फील होता है, तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी के मामले में मी पैड 5 ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन अपना रियलमी का जो फ्रेम है प्लास्टिक है, लेकिन फील थोड़ा मेटालिक होता है और ऐसे हमने हर तरफ से दबा के देखा है, कुछ ऐसा फ्लेक्स नहीं आएगा आपको, तो डेफिनेटली रियलमी पैड एक्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी। प्राइसिंग के हिसाब से दोनों ही की बिल्ड अच्छी मिलती है। मी पैड 5 में आपको 510 ग्राम का वेट मिलता है और इसके अंदर 495 के अराउंड आपको वेट मिलता है, तो थोड़ा सा रियलमी ने वेट बैलेंस पे अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। इसकी कंप्लीट जो वीडियो बनाई है उसमें आप चेकआउट कर सकते हो ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें, दोनों के अंदर आपको 2K डिस्प्ले सुनने में आया होगा आपको, लेकिन एक्चुअल में रियलमी पैड में 2K है, उसके 2.5K है। अब जो 0.5 है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इसके अंदर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 695 वो 2K रेजोल्यूशन सपोर्ट ही नहीं करता है। जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो सपोज करो आप एक 4K वीडियो देख रहे हो, ये 4K में चलेगा ही नहीं, मैक्सिमम आप 1080p पे वीडियो देख सकते हो, जो कि एक डाउन पॉइंट है इस वाले टैबलेट का। लेकिन डेफिनेटली आपको टैब यूज करने में काफी स्मूथ फील होगा और अच्छी परफॉर्मेंस भी आएगी और डिस्प्ले में ऐसा सच कोई इशू नहीं, जैसे कि आपको यहाँ पे व्यूइंग एंगल देख सकते हो आप, काफी सही है और डिस्प्ले फील भी अच्छा होता है। इवन ये जो पैनल आपको 60Hz का पैनल है तो बहुत ज्यादा स्मूथ फील नहीं होता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से एक बजट प्राइसिंग है, ये वाला डिस्प्ले इस प्राइस पे काफी तगड़ी है। लेकिन अगर बात करते हैं मी पैड 5 के बारे में, वो डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है एक फ्लैगशिप डिस्प्ले से, जैसे कि एप्पल के आईपैड्स प्रो में होता है, उसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट वाला डिस्प्ले बहुत कम देखने को मिलता है, और सबसे तगड़ी चीज HDR10 भी है उसमें, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है उसके डिस्प्ले का। और डिस्प्ले में एक चीज और है कि ये हल्का सा ग्लॉसी डिस्प्ले, जैसे कि अगर लाइट के पास लेके जाओगे तो रिफ्लेक्ट करता है ना इतना, लेकिन मी पैड 5 में थोड़ा मैट वाला फील है, उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो डेफिनेटली एक फ्लैगशिप डिस्प्ले है वो, कोई कंपैरिजन नहीं दोनों का। तो डिस्प्ले में अपना क्लियर विनर है मी पैड 5, लेकिन प्राइस के हिसाब से इसको भी मैं अच्छा डिस्प्ले ही कहूंगा, जैसे कि अपनी वीडियो मस्त चल रही है भाई। इवन कि इसके कलर्स भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है, तो रियलमी पैड एक्स का डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ्लैगशिप से कम्पीट नहीं कर पाएगा। इंटरटेनमेंट में डिस्प्ले के बाद आता है इनका स्पीकर्स, और दोनों के अंदर आपको क्वाड स्पीकर्स है। इसका स्पीकर एक नॉर्मल आईफोन से डबल कह सकते हो और नॉर्मल लैपटॉप के स्पीकर से 4 गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन उस लैपटॉप की लिस्ट में मैकबुक्स नहीं आते, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई बहुत ही अच्छा स्पीकर है। अगेन ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी डेडिकेटेड वीडियो देख लो। और दोनों के स्पीकर में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा, स्पीकर के मामले में दोनों ही इक्विवेलेंट आप कह सकते हो, और दोनों ही के अंदर आपको डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है। इसके में यहाँ पे आपको ऊपर में मिल जाएगा एक जब आप ऐसे बात कर रहे हो, और यहाँ पे आपको साइड में मिल जाएगा जब आप हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल जूम कॉल और जो घर पे आजकल पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो दोनों आपको आराम से हो जाएगा। कैमरा भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप आराम से हॉरिजॉन्टली रख के यूज करोगे। रियलमी पैड में लाइमलाइट करके एक फीचर है, जो कि आपको सेंटर स्टेज जो एप्पल वाला उसी से चेपा गया है। सिंपली जब भी आप वीडियो कॉल पर रहते हैं तो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको रखता है वो सेंटर में, तो उससे काफी अच्छा एक एड ऑन होता है जब भी आप वीडियो कॉल पर रहते हो, और ऐसा कुछ फीचर आपको मी पैड 5 में नहीं मिलेगा। पावर के बारे में बात करें, रियलमी के अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 695, एक 5G प्रोसेसर है, लेकिन एक लिमिटेड प्रोसेसर है मेरे हिसाब से। प्राइस के हिसाब से आप कह सकते हो कि हाँ ठीक दिया है, लेकिन अगर बात करते हैं मी पैड 5 के बारे में, उसमें आपको मिला एक फ्लैगशिप प्रोसेसर, 5G प्रोसेसर नहीं है, और मुझे लगता है कि 5G से उतना मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी 5G की कहानी दूर है इंडिया में, स्टिल मिनिमम 1 से 1.5 साल लगेगा। अगर 5G आ भी गया तो उसके चार्जेस काफी ज्यादा होंगे, 5G के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन ये जो प्रोसेसर डिफरेंस है आपको काफी ह्यूज है। तो अगर गेमिंग के बारे में बात करें, रियलमी पैड एक्स के अंदर आपको स्मूथ पे अल्ट्रा मिलेगा, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे हाई, HDR
है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन मी पैड पे आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम, एचडीआर पे भी एक्सट्रीम और अल्ट्रा एचडी तक आप खेल सकते हो, मतलब 60 FPS पे खेल सकते हो, प्लस उसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज्यादा बेटर होगा। और इस प्रोसेसर गेम की वजह से मी पैड 5 में जो आपको कैमरा है 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। और तो मैं कहूंगा कि टैब के कैमरा बहुत ज्यादा यूज के नहीं होते हैं, आपको सिंपली ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं। दोनों के अंदर आपको जो रियर कैमरा है 13 MP का है और ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आएगा आपको, लेकिन मी पैड में आपको फ्लैश भी देखने को मिलेगा रियर कैमरा में। सेल्फी कैमरा दोनों का आपको 8 MP का है और दोनों में सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि मी पैड 5 में थोड़ा ज्यादा बेटर आपको क्वालिटी देखने को मिला है, क्योंकि आपको वीडियो में 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली तो आपको समझ में आ गया होगा कि मी पैड 5 मच बेटर है रियलमी पैड एक्स से। अभी रुको और बताते हैं एक्सेसरीज के बारे में बात करते हैं। रियलमी में आपको रियलमी पेंसिल मिली है और यहाँ पे आपको देख सकते हो, तो डेफिनेटली आप पेंसिल यहाँ पे लगा के यूज कर सकते हो, लेकिन बॉटम साइड में आपको यहाँ पे कोई भी पिंस नहीं है, तो स्मार्ट एक्सेसरीज आप ऐसे अटैच करके यूज नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से रियलमी का जो कीपैड है वो आपको शायद ब्लूटूथ से कनेक्ट होता होगा, उसके बाद काम करेगा, और वो बहुत ही ज्यादा सस्ता वाला मामला है, क्योंकि मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि बार बार आपको कीपैड को चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद कनेक्ट करना पड़ेगा, कभी कभी डिसकनेक्ट भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सीमलेस कनेक्शन नहीं मिलेगा जैसा आपको Xiaomi के पैड 5 में मिलेगा। वहां पे आपको पिंस मिलते हैं, डायरेक्टली कीपैड पे अटैच करो और यूज करना शुरू कर दो। तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के मामले में भी मी पैड 5 थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। तो अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें, आपको क्लियर विजन दिख रहा होगा, मी पैड 5 भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा टैबलेट है, बहुत ही स्मार्ट है, काफी फ्लैगशिप क्वालिटी का है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्चुअल में टैबलेट हम लोग क्यों यूज करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जो गेमिंग के लिए टैबलेट लेते हैं। डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, और डिस्प्ले के मामले में रियलमी का जो पैड है भाई काफी ज्यादा अमेजिंग है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल आप कह सकते हो, अगर आप रिफ्रेश रेट को थोड़ा साइडलाइन कर दो। तो अगर आपको एक बेसिक गेमिंग वाला बहुत ही अच्छे डिस्प्ले और स्पीकर्स वाला टैबलेट चाहिए तो मेरा फर्स्ट चॉइस भाई रियलमी पैड एक्स ही रहेगा, क्योंकि जितने भी बेसिक काम होते हैं टैबलेट से बहुत ही आराम से होंगे इससे, और इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वही बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो रियलमी पैड एक्स एक अच्छा बाई हो सकता है, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आपको थोड़ा ज्यादा फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग ज्यादा आपको करनी है, तो शायद आप मी पैड 5 ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सारे काम आपको स्टूडेंट वाले हो जाएंगे, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के साथ समराइज कर सकते हैं इस वाले वीडियो को, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा क्लियर विनर इस वाले वीडियो के लिए मी पैड 5 ही रहेगा, लेकिन भाई रियलमी पैड एक्स भी कम नहीं है, इसको आप ले सकते हो। तो डेफिनेटली दोनों ही पैड अपने अपने प्राइस रेंज में काफी अच्छे हैं और दोनों को मैं वर्थ फॉर द प्राइस मानता हूं। और इस वीडियो को लिखने रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। यहां तक वीडियो देख ली तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।